सृष्टि जो बाइबल में भी कहा गया है कि सबसे पहले इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज वर्ड एंड वर्ड वाज गॉड, मतलब सृष्टि में सबसे पहले शब्द हुआ, शब्द सृष्टि के साथ था और शब्द ईश्वर था, ईश्वर शब्द के साथ था, अर्थात शब्द हुआ। मार्तिमेय परमहंस महाराज की भी वाणी है कि सृष्टि में सबसे पहले मौज हुई, मौज परमात्मा में नहीं, मौज हुई, जैसे समुद्र में एक उत्ताल तरंग उठती है उसी तरह से सृष्टि में है ना, ये जो सृष्टि है अनंत सृष्टि है, इसमें एक मत पृथ्वी है, एक सूरज नहीं है, अनंत कोटि सूर्य है, अनंत पृथ्वी है, अनंत चंद्रमा है, अनंत उपग्रह है, ये सबसे बड़ा जो है यह निराकार निरूपम है, इसमें एक मौज हुई और मौज में एक विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद अनेकों सूर्य अनेकों तारे बन गए, किसी व्यक्ति ने या अपने आप हुआ, इसलिए इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति माने किसी के द्वारा नहीं बना है, ऑटोमेटिक बना है, प्रकृति का मन ही होता है, और कोई कहे कि यह बना है यह उसकी बिल्कुल झूठी बात है, यह ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं है ऐसी। लेकिन एक शक्ति की कल्पना लोग कहते हैं, सृष्टि करने वाला, उसका पालन करने वाला, उसका श्रृंगार करने, ये तो अपने आप ही सृष्टि में हो रहा है, अपने आप पैदा हो रहा है। मैं लिए अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई अगर धर्म कोई अपनाना चाहे तो कौन सा धर्म बेहतर रहेगा अपनाना चाहे? किसी ने कहा पूरब में सूरज है, इसको थोड़ा पानी दे दो, एक यज्ञ कर लो, पाठा को काट दो, देवी देवता के सामने जाके उसका मुर्गा रख दो, इसको लोगों ने धर्म मान लिया। भगवान बुद्ध ने कहा ये सब कोई धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, क्योंकि इस धर्म से हम संपूर्ण विश्व में एकता नहीं होगी। धर्म उसको कहते हैं जिसके पालन करने से संपूर्ण विश्व के सभी जीवों में आपस में प्रेम हो जाए। मान लो कि आप एक गाय को काट के खाते हैं, निश्चित आपने एक जीव की हत्या की, उसको दुख हुआ, ये मनुष्य आपको भी दुख होगा। पता है कि ब्रह्मा ने पूरी दुनिया को रचना किया है, तो थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया चीन ये सब लोग नहीं मानता है, वहाँ विज्ञान को मानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं पहले कहा जाता है कि भुजाओं से जन्म लिया है, जंगाओं से लिया है, पैर शूद्र से लिया है, लेकिन हम जानते हैं पढ़े भी हैं कुछ कि जब एक स्त्री और एक पुरुष का जब मिलन होता है तो बच्चे जन्म होता है, लेकिन उस जमाने में कैसा तरीका था कि लोग मुंह से जन्म ले रहा था, पैर से जन्म ले रहा था, जंगा से जन्म ले रहा था, थोड़ा सा इनको विस्तार बताइए। देखो भाई, भारत में एक शब्द बड़ा विचित्र है देश में, और एक प्रथा बड़ा विचित्र है, भारत के लोगों को पाबंदी लगाया गया कि समुद्र पार नहीं हो, है ना, क्योंकि समुद्र पार में ज्ञान विज्ञान की बातें थी, है ना, और भारत में कहा गया ना तो शूद्रों को पढ़ने दो ना स्त्रियों को पढ़ने दो, जो जो मैं कहूँ बस उसी को मान लो, अर्थात वेद फेद कुछ नहीं, ब्रह्मा ब्राह्मण जो कहता है क्योंकि वही तो ब्रह्मा की संतान है और ब्रह्मा के मुँह से वो पैदा हुआ, उसको मानते गया। अब मैं एक बात कहूँगा, सृष्टि किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, अगर वह किसी व्यक्ति के द्वारा होता तो फिर यह प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति को किसने पैदा किया। बिल्कुल, यह सृष्टि अपने आप हुई है, इस सृष्टि का रहस्य बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है, कैसे हुआ नहीं हुआ ये तो वैज्ञानिक ठीक ठीक जानते हैं, हम लोग इतना ही जानते हैं यह सृष्टि जो बाइबल में भी कहा गया है कि सबसे पहले इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज वर्ड एंड वर्ड वाज गॉड, मतलब सृष्टि में सबसे पहले शब्द हुआ, शब्द सृष्टि के साथ था और शब्द ईश्वर था, ईश्वर शब्द के साथ था, अर्थात शब्द हुआ। मार्तिमेय परमहंस महाराज की भी वाणी है कि सृष्टि में सबसे पहले मौज हुई, मौज परमात्मा में नहीं, मौज हुई, जैसे समुद्र में एक उत्ताल तरंग उठती है उसी तरह से सृष्टि में है ना, ये जो सृष्टि है अनंत सृष्टि है, इसमें एक मत पृथ्वी है, एक सूरज नहीं है, अनंत कोटि सूर्य है, अनंत पृथ्वी है, अनंत चंद्रमा है, अनंत उपग्रह है, ये सबसे बड़ा जो है यह निराकार निरूपम है, इसमें एक मौज हुई और मौज में एक विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद अनेकों सूर्य अनेकों तारे बन गए, किसी व्यक्ति ने या अपने आप हुआ, इसलिए इसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति माने किसी के द्वारा नहीं बना है, ऑटोमेटिक बना है, प्रकृति का मन ही होता, और कोई कहे कि यह बना है यह उसकी बिल्कुल झूठी बात है, यह ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं है ऐसी। लेकिन एक शक्ति की कल्पना लोग कहते हैं, सृष्टि करने वाला, उसका पालन करने वाला, उसका श्रृंगार करने, ये तो अपने आप ही सृष्टि में हो रहा है, अपने आप पैदा हो रहा है। मैं कहता हूँ वर्षा होती है, इतने कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते, कोई माए बाप है क्या उसका, कोई ब्रह्मा विष्णु क्या, वहाँ एक ऑटोमेटिक पावर है, वहाँ एक शक्ति है जहाँ की सारी की सारे जीव कीड़े मकोड़े सब पैदा हो जाते हैं, और फिर उसका पालन करने वाले मिट्टी खाकर खाता है, एक चिड़िया चुना, एक छोटा से छोटा जीव भी
वहाँ उसको पालन करने की शक्ति इस प्रकृति में ही है, और संघार तो स्वयं अपने आप भी इस प्रकृति में गुण है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना ये सब बिल्कुल ये झूठी कल्पना है मेरी समझ से। ठीक, चलिए, अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई अगर धर्म कोई अपनाना चाहे तो कौन सा धर्म बेहतर रहेगा अपनाना चाहे? बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान बुद्ध ने जो कहा इसके बारे में, धर्म अधर्म कुधर्म सद्धर्म बहुत सारी बातें, उसे धर्म के बारे में लोग कहते हैं नियम, नियमों को जो जैसा नियम है उसका जो धारण करता है उसको वैसा धर्म कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि खस्सी को काट के खाना चाहिए, सुन्नत कर लेना चाहिए, ठीक नहीं रखना चाहिए, पश्चिम तरह नवाज पढ़ना चाहिए, इसी तरह से बहुत सारे नियम बना दिए, उसको जिसने मान लिया उसने धर्म हो गया। किसी ने कहा पूरब में सूरज है इसको थोड़ा पानी दे दो, एक यज्ञ कर लो, पाठा को काट दो, देवी देवता के सामने जाके उसका मुर्गा रख दो, इसको लोगों ने धर्म मान लिया। भगवान बुद्ध ने कहा ये सब कोई धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, क्योंकि इस धर्म से हम संपूर्ण विश्व में एकता नहीं होगी। धर्म उसको कहते हैं जिसके पालन करने से संपूर्ण विश्व के सभी जीवों में आपस में प्रेम हो जाए। मान लो कि आप एक गाय को काट के खाते हैं, निश्चित है आपने एक जीव की हत्या की, उसको दुख हुआ, ये मनुष्य आपको भी दुख होगा। सारे जीवों में एक सामंजस्य है, आप लोग पढ़े लिखे हुए हैं, संपूर्ण जीवों में एक जीवन चक्र है नहीं जी, जीवन चक्र है। अरे वो जीवन चक्र में अगर ये कड़ी टूट जाए तो क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा। आज देख लीजिए प्रकृति में जंगल खत्म हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, जीवों पर कितना गड़बड़ बात है। इसी तरह से सारे जीवन चक्र है इस सृष्टि में, इस विश्व में, और एक जीवन चक्र है, सारे जीव एक दूसरे पर आधारित है, और किसी को अभी मान लीजिए सांप खत्म होगा तो चूहा बढ़ गया है, देखिए क्या क्या होता, हमारे घर में हर चूहे रहता, बिल्ली को पकड़ के लाते हैं कम से कम कंट्रोल करेगा। सारे इस सृष्टि में एक ऑटोमेटिक शक्ति जिसको कोई परमात्मा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, उनके कहने कर, लेकिन एक शक्ति है जिसको सभी मानना पड़ेगा, जिसके चलते संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है, और उसके विरुद्ध में कोई चलेगा तो दुख तो उसी को होगा। इसलिए मेरे कहने के अनुसार जो है आपका जो प्रश्न है यह है कि क्या पूछे थे कौन सा धर्म? ये धर्म, हाँ मैं कह रहा हूं धर्म वह है जिसमें पांच सील हो। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है ना, सत्य बोलना, सत्य बोलना। क्या यह सत्य बोलना किसी धर्म में है कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं, सारे धर्मों में है सत्य बोलना। क्या किसी धर्म में झूठ बोलना चाहिए? नहीं है, सत्य बोलना, सत्य बोलना, सत्य, झूठ नहीं बोलना। चोरी करना किस धर्म में है? नहीं, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ चोरी नशा। ऐसा किसी धर्म में है कि खूब दारू पीना चाहिए? नहीं है, तो झूठ चोरी नशा इसका वर्जन हो। स्पष्ट है दुनिया के सारे धर्मों का सार जो है एक ही बात है, झूठ चोरी नशा और हिंसा किसी धर्म में नहीं है कि काटना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में तो अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है। बोलिए आपका जो बाघ छाप आपका राष्ट्र है उसके नीचे सत्य में व्ययिता अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ है, तो फिर इससे बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है ना, इसे कोई धर्म हो सकता है? झूठ चोरी नशा हिंसा व्यविचार, एक व्यविचार का मन होता है बलात्कार किसी स्त्री के या लड़की के साथ कोई बलात्कार कार्य करना, जो कि यह बिल्कुल अधर्म है। क्या कोई धर्म का था यह अच्छा चीज है? बिल्कुल, यही पांच को अगर कोई मानता है तो वही एक धर्म है। मैं किसी नाम से किसी को यह नहीं कहूंगा कि यह धर्म मानना चाहिए, मैं यही कहूंगा ये पांच धर्म का पालन करे कोई तो वही सद्धर्म होगा। और मैं किसी का नाम नहीं बोलना कि हिंदू धर्म मुस्लिम, क्यों? सारे धर्मों को मैंने अधर्म कर लिया है, सारे धर्मों में क्या क्या है नहीं है हम समझते हैं, दुनिया को हम काहे कहेंगे ये सब बात। इसलिए मैं कहूंगा ये पांच गुण धारण कर लो, यही सबसे बढ़िया धर्म है। चलिए, एक और अंधविश्वास को लेकर है कि बिल्ली की काटने से क्या अशुभ हो जाता है, क्या लोगों की जत्रा खराब हो जाता है? ये सारी बातें भय उत्पन्न करने के लिए, गिद्ध ने खोख दिया, सांप दाहिना से बायां काट दिया, बिल्ली जो है बायां से दाहिना से बायां चला गया, इस तरह से लोग भी अगर रास्ता को काट देते हैं है ना, लोग गुस्साने लगते हैं है ना, हम ही लोग ऐसा करते तो हम लोग दाहिना कहने काट लो तो है ना, ये सब करने लगते हैं। ये सब ब्राह्मणों ने बनाया है, इसमें सत्य क्या है झूठ क्या है ये स्वयं विवेक पर निर्भर करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो होने वाला है वही होगा, बिल्ली काटने से या घोड़ा काटने से या कुत्ता के खोखने से या गीदड़ के खोखने से, ये सब बिल्कुल झूठ बात है।
लड़ाई हो जाता है, हाँ लड़ाई होता ही तो बिजली काट देता है तो लोग नहीं टपता है, नहीं टपता है, टपेगा तब, माने कोई अनजान आदमी टप जाता है, टप टपता है, ये सब बात जो है ये अंधविश्वास है, हाँ ये सब मेरे समझ से बात ठीक नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं काट पीछे कुछ नहीं, मैं तो तब कहता हूँ, अरे जो होने वाला है तुम घर पर रहना चाहते हो वहाँ भी मरोगे, क्या घर क्या परदेश, कोई लिखा हुआ नहीं है कि हम उधर जाएंगे तो नहीं मरेंगे, इधर जाएंगे तो मरिएगा, ये सब बात नहीं है, जो होने वाला होगा इस बात स्पष्ट कहा है कि होनी हो के रही कर्म गति टारी ना ही टारी, ये सब तो कोई लेने देना नहीं है। चलिए मेरा सवाल खत्म हो गया, मैंने एक बहुत सारे एक महात्मा का वीडियो लेकर आया हूँ, वो महात्मा जो है लोगों को बता रहे हैं, तो गुरु जी आप भी सुनिए और हम भी सुनेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, मानस में ही बात कहा गया है हमारा कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण पूजनीय है चाहे वो गुण से हीन क्यों ना हो, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा, चाहे महाराज शूद्र है दासी है महाराज, चाहे कितना भी विद्वान हो जाए लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता है। हाँ, क्या कहिएगा गुरु? बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा था, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कहते किसको है, इस पर लिख लीजिए है, हाँ, हाँ। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है जन्मना जायन्ते, लिखना ठीक से इसको, जन्मना जायन्ते सर्वाणि शूद्रा, बोलिए संस्कार आदिजते वेद विशेष प्रकार या प्रति सविप्रह ब्रह्म यो जानाति स ब्रह्मण। मैं ऐसे ब्राह्मण को पूजनीय कहता हूँ क्योंकि जन्म से सभी शूद्र मार्ग से पैदा होते हैं, सभी के सभी शूद्र हैं, और उसको एक संस्कार दिया जाता है, उसका मुंडन करके एक मंत्र दिया जाता है, जीवने का तरीका बताया जाता है, पेशाब करने से लेकर के उठने बैठने से लेकर उसे एक 6 वर्ष के अंदर में माता पिता को प्रणाम करने के लिए, समाज को प्रणाम करने के लिए, जीव जंतुओं से प्रेम करने के लिए सिखाया जाता है, अच्छी शिक्षा से दिया गया, इसलिए उसका संस्कार हुआ, संस्कार होने से वह द्विज हो गया, माने दोबारा जन्म हुआ, और द्विज में सब जातियाँ आती हैं, द्विज माने कोई ब्रह्म नहीं होता, द्विज में वह जाति होती है जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों कहा जाता है, शूद्र नाम का जाति नहीं है, वेदों में 9 खंड में 9 मंडल में शूद्र जाति नहीं है, 10वें मंडल में उन्होंने ऐसे लोगों को जो तीनों वर्ग से तीनों वर्णों से जो च्युत हो गया उसको शूद्र कहा गया है, और तीनों वर्णों से शूद्र कोई च्युत होता ही नहीं है क्योंकि 3 वर्ण के अंदर ही सब है। अब मैं बताता हूं, जब मनुस्मृति में लिखा हुआ है जन्मना जायन्ते सर्वाणि शूद्रा संस्कारा द्योजयति, संस्कार संस्कार तो सब जैसे मर्त्य में ही बिना जन्मवा पाने हमें गायत्री मंत्र दिया, जप मंत्र दिया, जीने का तरीका दिया, रहने का तरीका दिया, भक्ति भावना दिया, माता पिता की सेवा समाज की सेवा करने के लिए या गुण बताया तो हमें संस्कार हो गया, और संस्कार होने के बाद हम क्या करने लगे, ज्ञान अर्जन करने के लिए वेद पढ़ने लगे, विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने लगे, जब वेद पढ़ने लगे तो विप्र स्वयं हो गए, विप्र माने होता है जो विशेष प्रकार से धर्म ग्रंथों को पढ़ने और समझने के लिए जो जानता है उसको विप्र कर, ब्राह्मणों के अनुसार परिभाषा नहीं, यह सही में जो परिभाषा विश्व स्तर पर है विशेष प्रकार के सारे धर्म का, आप कुरान पढ़ लीजिएगा क्या पढ़ने के लिए आता है, कुरान पढ़ने का तौर तरीका है, वेद पढ़ने का तौर तरीका है, विभिन्न धर्मों के विभिन्न पुस्तकों ग्रंथों को जो ठीक से पढ़े और समझे और समझा करके उसको क्या करे समझावे उसको विप्र कहते हैं, हो गया दो तरह हो गया, संस्कारा दुजते वेद पढ़ विप्रा और ब्रह्मयो जानाती, ब्रह्म को जानते जानते जानत तुम ही हो गए परमात्मा मेरे, वैसे ब्राह्मण को अगर प्रणाम किया जाए तो उसमें कोई गलती उसकी पूजा की जाए, ऐसे ब्राह्मण जो राक्षस है, ब्राह्मण तो रावण ही कहलाता था, कौन पूछता उसको, है ना, वो चंडाल से ही बढ़कर है, पूछता है क्या, उसी तरह से मैं साफ कह देता हूँ, ऐसे ब्राह्मण जो चंडाल है, कर्म से हीन है, च्युत है, भोजन से च्युत है, राम से च्युत है, ना दिनचर्या में च्युत है, ना मुत्ता है, खड़े को पीता, पशु को लेकर पीता है, जनवा को झूठो रस्सी की तरह पहनता है, उसे वैसे ब्राह्मण को पूजने से कुछ नहीं होगा, हाँ ऐसे ब्राह्मण जो मैंने मनु ने कहा है ऐसे ब्राह्मण की दिन रात पूजा करनी चाहिए, मैं उसको पूजने के लिए समर्थन करता हूँ। ये तो कह रहे हैं सीधे कि, और ये जो बता रहे हैं इनके बगल में जो बैठे हैं शूद्र जात के लोग बैठे होंगे और ये बता रहे हैं कि वो कैसा भी हो वो पूजनीय है, ये बिल्कुल गलत बात है, उसके धर्म शास्त्र के अनुसार इनका कहना बिल्कुल गलत है। चलिए हाँ। यही तो हम सुनना चाहते, एक और बाबा जी है वो भी कह रहे हैं, थोड़ा सा उनको सुन लीजिए फिर हम सवाल करेंगे। जीवन में कभी किसी ब्राह्मण के सत्व का हरण मत करना, किसी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना, उस ब्राह्मण को किसी ने दान किया हो अथवा तुमने स्वयं दान किया हो उस वस्तु को कभी तुम ग्रहण मत करना, स्वदत्ताम परदत्ताम वा, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, स्वदत्ताम तुमने दिया हो, परदत्ताम वा किसी अन्य ने दिया हो
ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चय, जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है। षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, भगवान कहते हैं वो जीव 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। इसलिए जीवन में ऐसा अपराध कभी मत करना, अपने पुत्रों को भगवान ने उपदेश दिया। और भगवान कहते क्या कहिए गुरु जी, चलिए उपवन कीजिए। जिस राम को लोगों ने भगवान कहा, उसी राम ने रावण की संपत्ति को लूट लिया, रावण के घर को विनाश कर दिया। वो अभी क्या ब्राह्मण नहीं था क्या? ब्राह्मण। और यह राम तो क्षत्रिय था। पहले भगवान ही दोषी है भगवान ही दोषी है। किसने उस द्रोणाचार्य की हत्या करवाई? क्या ब्राह्मण नहीं था? गुरु होते ही ब्राह्मण था। इसलिए जब भगवान ने उस ब्राह्मण को उत्तम कुल पुरस्कार ना थी, शिव विरल थी पूजा ही सब भांति, बर्फ पायो किन्नौ सब काजा, हरि आन होती दा जगदम्बा। और जब उस ब्राह्मण की हत्या उन्होंने की, और हत्या करने के बाद राम को ब्राह्मण दोष ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसके चलते किसी ब्राह्मण ने उसके राशि जग में नहीं खाया, तो फिर तो भगवान क्या कहना, भगवान क्या कहना, भगवान क्या कहता, भगवान ही दोषी है, है ना? तो फिर हम क्या उसके बारे में कहेंगे? यह ब्राह्मण का झूठी है, शूद्रों पर ये छोटी बात करने का है। मैंने तो साफ स्पष्ट किया, ब्राह्मण ज्ञानी है, उसको संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है, उसको रहने की। ब्राह्मण एक विदुर था, जो एक शूद्रनी के घर से पैदा हुआ था, जो कि कुटी बना के रहता था, वह ब्राह्मण क्या जो संपत्तिवान होगा? वह ब्राह्मण नहीं है, वह तो कुचाली है, अनाचारी है, वह क्या करेगा? ऐसे ब्राह्मण जो एक बहुत बड़ा संपत्तिवान होकर के सैकड़ों स्त्रियों को रख करके और कहता मैं ब्राह्मण हूँ, वह बिल्कुल नीच है, वह तो मेरे कर्मकर्ता नर्क जाएगा, कोई प्रमाण नहीं है कि वह स्वर्ग जा सकता है। अच्छा, जैसे ये बाबा जी कह रहे थे कि अगर हम किसी को ब्राह्मण को कोई चीज़ दान कर दी है, तो वो फिर दोबारा उनसे हम नहीं मांगे, नहीं लेना चाहिए। वैसे भी दान देना या दान नहीं देना, ये सब बात जो है वह एक अलग बात है। दान उसको दिया जाए, समुद्र में एक चूर पानी देने से वो नहीं होगा। कोई प्यासा है उसको दान देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना नहीं चाहिए। दान तो उसको देना चाहिए जिसको कि भूखों मर रहा है, पानी प्यासे है, जरूरत है, कोई विद्यार्थी है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, उसको दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को तो दान देना ही नहीं चाहिए। ये तो दान देने की प्रथा ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा ब्राह्मण को हुआ, वह बैठे बैठे खाता पे रहेगा, यहाँ गरीब दुख जो मरता रहेगा। मैं इस दान का ही विरोध करता हूँ। दान स्कूल कॉलेज ये सब खोलने के लिए गरीबों को देना चाहिए। जैसे अभी बाढ़ है, बाढ़ में देने के लिए कहीं बात आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बाढ़ में लोगों को है नहीं लिखा हुआ? बाढ़ में देने की बात कहीं नहीं है, दुख तकलीफ में लोग मर रहे हैं, वहाँ दान देने की बात नहीं है। और मंदिर बनाने की बात, क्योंकि मंदिर खोला तो दुकान मिल गया, बिना पूंजी का दुकान बाबा जी को मिल गया और वह खूब कमाने लगता है, और कमा करके इस पूंजी से वह अपने परिवार को इंग्लैंड अमेरिका ऑफिसर बना रहे हैं। हमारे ही गाँव में एक आदमी है जिसका बेटा एक दिल्ली में कंपनी करके सैकड़ों मजदूर को खटवा रहा है, और यहाँ पूजा पाठ जुट करके वो पूंजी दे रहा है, एकदम दे रहा है। मैं क्या कहूँगा, नाम कहूंगा? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पूंजी देखते हैं बाल बच्चों को, यहाँ नशा पी करके उसके बाल बच्चे। आज क्या है, 90% संतति बाबा जी के अंदर में आ गया, 90% जिन बाबा जी के अंदर में आ गया। आप कहोगे कि क्या बोले राजनीति की बात, जब पूछते हो बात मैं कहता हूँ 90% संपत्ति इन ब्राह्मणों के अंदर चली गई है। सारा पोस्ट जब से लेकर नीचे मास्टर से लेकर किराणी तक इन ब्राह्मणों के पास चला, क्यों? उनको पढ़ने लिखने की सारी सुविधा है, पैसा उसके पास, ब्राह्मण गरीबों को तो स्लेट पर नहीं मिलता है, और स्कूल भी खोल दिया सरकार ने, ऐसी पॉलिसी दे दिया, कोई पढ़ाई लिखा नहीं होता। स्पष्ट है कि अमेरिका से एक जो रिपोर्ट आया कि 8वीं क्लास के विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के जानते हैं और जोर घटाने जानते हैं, क्या बात हो गई? हम भी पढ़ते थे, और हम भी पढ़ते थे 3 क्लास में जो भाषण हम दिए हैं वो लोगों का असर था, यहाँ के हेडमास्टर चंद्र मुखर्जी का अब कितना जानता, क्योंकि पढ़ाई होती थी उस समय, समझाया जाता था। हम जो 4वीं क्लास में जो हिस्ट्री पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, अभी तो मैट्रिको वाला लोग नहीं जानता है, क्यों? बात भी कहा है कि पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि ये राजनीति है कि पढ़ाई दोगे तो लोग राजनीति की तरफ आएंगे और हमारी आर्थिक मांग को, राजनीतिक मांग को मांगने लगेंगे। इसलिए सबको बेवकूफ बनाओ और सारी शक्ति एक व्यक्ति के अंदर में रख दो, ब्राह्मण के हाथ में रख दो, वो राजतांत्रिक व्यवस्था होगी। ये सब राजतांत्रिक व्यवस्था के लोग हैं, ये ब्राह्मण तो राजतांत्रिक व्यवस्था के लोग हैं। हम लोग क्या है, जनतांत्रिक, ये भारत जनतांत्रिक है, आदिकाल से जनतंत्र है, भगवान बुद्ध से भी पहले जनतंत्र था, ये राजतंत्र नहीं था। इसलिए हम इस बाबा जी की बात को साफ विरोध करते हैं, और इससे क्या भारत में होगा, इतना भारत कमजोर हो जाएगा कि यह आर्थिक दृष्टि से भी दबे हुए रहेंगे। फिर भी जैसे कोई हमला करेगा, मैं साफ कहता हूं, जब तक जनतंत्र था, सम्राट अशोक का राज था,
चंगेज खा और तैमूरलोक हिम्मत नहीं हुआ इस देश पर चढ़ाई करने का। जब राजपूत तंत्र आया तो रोजे रोज यहाँ हमला होने लगा और भारत मुगलों के अंदर ही नहीं 14 खानदान यहाँ पर हुए भारत में मुसलमानों का, और अंत में मुगल खानदान हुआ और अंग्रेज भी आया। ये सब भाग गया, किसने भगाया अंग्रेज को? यहाँ के जनसंघ के लोगों ने बढ़ाया भगाया है। सारे लोग सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे जाति बड़ी जाति ही और मर्द और सब एक हो गए। जनतंत्र की शक्ति जब गए तब अंग्रेज वहाँ से भागा। अरे पट से इन्होंने क्या किया, अरे बाप रे बाप, जनतंत्र को खत्म करो, राजतंत्र को लाओ, जनतंत्र करो, ये राजतंत्रिक व्यवस्था को लाने के लिए ये सब प्रवचन हो रहा है। राम की बात करते हैं, बुद्ध बुद्ध की क्यों नहीं बात करते हैं? ये राम क्या है? राजतंत्र की व्यवस्था है। और राजतंत्र की व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं ये। बिल्कुल, राम का नाम लेकर राजतंत्र, मैं विरोध करता हूँ कि अगर राम को पूजोगे तो यहाँ फिर राजतंत्र होगा, और राजतंत्र में एक शूद्र को मैं थोड़ा कह करके थोड़ा सा दिमाग करवा गया भाई, गर्म हो गया। वाल्मीकि की रामायण सप्तम सोपान कांड, मैं कह देता हूँ भगवान राम में कितना बढ़िया गुण था। एक शूद्र है शंबुक, शूद्र इसलिए कहा गया कि वो भारत का आदिवासी जाति है, आदिवासी जाति है, यहाँ आदिवासी को ही शूद्र कहा गया है। बहुत पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूँ, शूद्र मेरा आदिवासी को शूद्र कहा गया, मूलवासी को शूद्र कहा गया। वह तपस्या कर रहा था और साथ साथ बहुत सारे बच्चों को लेकर वह पढ़ाई लिखाई भी करता था। इस बात की जानकारी आर्यों के नेता को हो गया मालूम, क्या करी ये शूद्र जब हथियार चलाना सीख लेगा, विद्वान हो जाएगा तो आर्यों का ये राज्य कायम नहीं हो सकेगा। एक ब्राह्मण एक बच्चा को जिसका उम्र 10 वर्ष और ब्राह्मण को उम्र 60 वर्ष है लिखा हुआ उसमें, उस बच्चे को लेकर के जाता है। याद रखिएगा वाल्मीकि रामायण सप्तम संवाद शंबुक वध चक्र लिखा हुआ मेरे पास रामायण। वह बच्चे को लेकर जाता है और सामने में खड़ा है कौन, दरबार पर लक्ष्मण खड़े हैं, और दरबार के सामने में प्रवेश द्वार पर लक्ष्मण को गाली गलौज करता है, उसके साथ राम को भी गाली गलौज करता है। ये नीच राजा, तुम्हारे पाप से मेरा ये 10 वर्ष का बच्चा मर गया, और 10 वर्ष के बच्चे को गोद में लेकर बड़े कितना झूठ बोला, 10 वर्ष के बच्चे को गोद में रख सकता नहीं झूठ है, 1 वर्ष 2 वर्ष के बच्चे को भरेगा, 10 वर्ष के बच्चे को रखेगा, गोद में लपेट के रखा है, विचित्र बात है, 10 वर्ष के बच्चे को तो भले सुता के रखेगा लेकिन गोद लिखा हुआ गोद में रखा हुआ उसको। अब भगवान राम आते हैं दौड़ते हुए, अरे तो नाटक ना है, तो लिखा है ब्राह्मण है ना, सत्य क्या है झूठ है तो सोचना पड़ेगा ना। बहुत सारी बात है रामायण पर, बहुत आलोचना हुई है, कहते हैं आलोचना करोगे तो नर्क होता ही नहीं, तो हम कहा जाएंगे नर्क में है? नर्क होता ही नहीं है, स्वर्ग तो मेरे अंदर में है, नर्क भी मेरे कर्म के अंदर सामने दिखाई पड़ता है, नर्क और स्वर्ग मेरे सामने है। अब राम जो है आते हैं प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे इस देश में बहुत बड़ा पाप हो रहा है, क्या पाप हो रहा है, शूद्र जो है परमात्मा को पाने के लिए तपस्या कर रहा है। कहाँ वो शूद्र का, मैं नहीं जानता हूँ, तुमको खोजना होगा। स्वर्ग से हवाई जहाज आता लिखा हो, हवाई जहाज से वह स्वयं एक तलवार लेकर के और धनुष वहां लेकर के चलता है, पश्चिम देखता है, पश्चिम तो आर्यों का देश था ही, उत्तर भी आर्यों का देश हो चुका था, पूरब भी आर्यों का देश हो चुका था, लेकिन दक्षिण तरफ अभी भी आर्यों का देश नहीं हुआ है। देख लीजिए रामायण काल की बात है, रामायण जो लिखा हुआ है वो 12वीं शताब्दी का लिखा, और कोई कुछ कहते हैं। जब दक्षिण तरफ देखते हैं तो नर्मदा नदी के जंगल में एक काला कबूतर एक कुटिया बना हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर, और वह तपस्या कर रहा है, वह हवाई जहाज से उतरता लिखा हुआ रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, लोग नहीं पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे। और उतरता है, उतर करके वह गरजता है, कौन तपस्या करने वाले तुम हो? कहता मैं एक ऑलमाइटी गॉड जो सब दिन है ना, सब जगह वर्तमान है, वो मरता जीता नहीं है, वैसे परमात्मा की दर्शन करने के लिए मैं हूँ। करके वो परमात्मा हो, करके तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरे परमात्मा बोलते नहीं है, वो परम शक्ति से देखते, करके नहीं मैं ही रहूँ, राम ही कहता। और खोला, कहा कि तुम परमात्मा नहीं हो। नहीं मैं परमात्मा हूँ। कैसे? पहले तुम बताओ कि तुम परमात्मा का जो दर्शन करने तपस्या करते हो तुम कौन जात हो? अब देखिए तपस्या करने का भी जात है, तभी तपस्या नहीं कर सकता। जो खुद राम जो कह रहा है तुम तपस्या करके, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी शूद्र होता है। और राम ने अपने तलवार से उसे 2 खंड कर दिया। बताए थे राम की सेवा और इसे मंदिर का क्यों नहीं विरोध किया जाए, जो राम ने एक शूद्र को तपस्या करने के लिए, जो 90% यहाँ शूद्र है उसको तपस्या करने से, पढ़ने से, लिखने से और सुविधाएं से रोकेगा, उस राम की पूजा करना कितना अधर्म है इस देश में। इस पे के बाद जो सर क्लिप काट के वायरल कर देगा लोग, कर भी करेगा ताकि राम विरोधी हो गया आप बताएंगे लोग बोलेंगे आपको ताकि आप सच्चाई बता रहे हो तो बोलेंगे क्या राम विरोधी है।
है, क्या करेंगे भाई। मैं तो कहता हूँ जब पूछा आपने राम के बारे में, राम ने कहा तो मैं, राम ने तो यह क्या है वो रामायण को देख लो भाई, है ना। राम को भी जब किया गया, राम ने रात्रि जग करने के लिए जब कहा तो कोई ब्राह्मण उसके खाने के लिए नहीं आया। तब वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र ने कुछ ऐसे शूद्रों को लेकर जनोवा पहना करके उसे ब्राह्मण बनाया, उसको सरयू पारिम ब्राह्मण कहते हैं। जब राम पर ही लोग नहीं विश्वास किया, ब्राह्मणों ने विश्वास किया, फिर राम राम करके क्या हो, राम राम, हाय राम, तो राम क्या करता है, वो तो कुछ नहीं है, पेट भर हुआ वो ब्राह्मण है, मैं उसके लिए क्या कहूँ। हालांकि ये बात तो नहीं कहा जाएगा, इसको तो क्लिप करके काटा ही जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, आपने हमें पूछा तो मैंने सत्य बात यह कह दिया। देखिए मैं बाबा जी से जो है, गुरु जी से मैं हर एक सवाल का जवाब जो है एकदम सटीक तरीके से दिया है। मैंने बहुत सारा सवाल किया तो हर एक सवाल का जवाब मिला है, तो मैं लगातार जो है बाबा से आपको मिलाते रहेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट में कीजिएगा, तो आपका अगला बार जो वीडियो होगा तो आपके सवाल के साथ आपका वीडियो करेंगे। लेकिन आपने सर एक और बात कहा था शिक्षा को लेकर के विद्यालय में, लेकिन अभी जो है दुर्गा पूजा को लेकर हमारी बगड़ी का अगर बात करें तो बगड़ी में भी कम से कम 50 बाजा लगा होगा, रात दिन भजन कीर्तन होते रहता है, स्कूल टाइम में भी बाजा बजते रहता है, इसका नहीं कोई विरोध करता है, नहीं कोई इस पर कोई कुछ बोलता है। तो अब मैं गांव के लोगों से अब क्या बताऊं, जो है आप करते रहिए, लेकिन इसमें मेरा गलती है सर, मेरे गांव समाज के तमाम सारे लोगों का गलती है इसमें, कानूनन ये लाउड स्पीकर लगाना गलत है, कानूनन यह प्रदूषण है, है ना, प्रदूषण फैल, प्रदूषण वो शब्द प्रदूषण जो है वायुमंडल प्रदूषण ये फैलाया जा रहा है, लोगों को ब्रेन पर असर पड़ता है, लोग पागल हो सकते हैं, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, और इसे कुछ होने जाने को नहीं है। इस लाउड स्पीकर से हानि ही हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, लोगों का समय लॉस हो रहा है, हमारे आर्थिक जो है वह कमजोरी हो रही है, हम इतने समय में अच्छे अच्छे काम करते, हमारा विकास होता और सब कुछ होता, इससे हमारा देश आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ तो पूंजी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है। हम ये लॉकडाउन की बात करना चाहें, भारत लॉकडाउन में बहुत पीछे चला गया, 2 बरस तक लोगों का काम धंधा बंद हो गया, लोगों का उत्पादन हो गया, देश का उत्पादन बंद हो गया, और हमारा देश बहुत पीछे चला गया, और वही दूसरा देश लॉकडाउन नहीं किया और काम चलते रहा सबका, और बहुत आगे हो गया, बहुत उसका जीडीपी बहुत बढ़ गया, हमारा जीडीपी रुक गया, नीचे चला गया। मैं तो कहूँगा ये जैसे मुस्लिम लोग एक ही बार सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं, अर्थात यह टाइम हो गया तुम जो है आ करके अपने घर में हो या यहाँ मस्जिद आकर कलमा पढ़ लो, बस आखिर को नहीं बोलता, उसी तरह से हम लोगों में सिर्फ एक बार होना चाहिए कि पूजा करना चाहते हो ये हल्ला करके पूजा करना, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यहाँ तो सब लोगों को बेकूफ बनाया जा रहा है, अब बेकूफ बनकर ही हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर है कि भारत का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जा रहा है, यहाँ तो न आर्थिक न राजनीतिक न धार्मिक न सांस्कृतिक कुछ भी आज़ादी नहीं रहेगी, यह सारी गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग कितना दिन बचेंगे, 80 बरस हो गया, 82 बरस हो गया, 10-20 बचेंगे, लेकिन मैं भविष्य में कह देता हूँ अगर ऐसी ब्राह्मणवादी सामाजिक शोषणवादी व्यवस्था रही, इसको जरूर करना भाई, ब्राह्मणवादी शोषणवादी सामाजिक व्यवस्था रही तो भारत बर्बाद हो जाएगा। और ये भी बात मैं कह देता हूँ, अगर इस तरह से हमारा समाज आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहा तो दूसरे देश वाले धर्म के नाम पर लोभ दे करके धर्म परिवर्तित कराते रहेंगे और यह देश धर्म से भी खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए मैं गुरुजी से हर सवाल पर बात किया हूँ तो बस वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो चलिए फिर मैं अगले वीडियो में आपके सवाल के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।